नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। नजर डालते हैं आज के मुख्य खबर पर। ब्राजील में रियो ओलंपिक्स के शुरू होने में 24 दिन बाकी हैं और आज हॉकी इंडिया ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की घोषणा की। भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश करेंगे, वहीं महिला टीम की कमान सुशीला चानू को सौंपी गई। भारतीय महिला टीम की कप्तान रही ऋतु रानी को टीम में जगह नहीं दी गई। वहीं भारतीय पुरुष टीम के कप्तान रहे सरदार सिंह को टीम की कप्तानी नहीं दी गई, लेकिन उन्हें टीम में शामिल किया गया है। रियो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष टीम को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें अर्जेंटीना, नीदरलैंड, जापान और आयरलैंड है। वहीं भारतीय महिला टीम को भी ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय पुरुष टीम 1984 के बाद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2012 में लंदन ओलंपिक्स के दौरान भारतीय पुरुष टीम 12वें स्थान पर रही थी। वहीं महिला टीम 36 सालों बाद ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।